हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 SE एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, इसे सिलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा इस तरीके का। यहां पर आपका जो है ना ये नेवर वाइब्रेट का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन नेवर वाइब्रेट, इसके सामने वाले सर्कल पे आपको इसे टिक मार्क लगाना है। तो आपका नेवर वाइब्रेट के सामने टिक मार्क लग जाएगा तो आपकी सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। अब ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन पे कभी भी इनकमिंग कॉल आएगा ना तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं करेगा, आपका फ़ोन जो है सिर्फ रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको ये सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाता है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।